सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक के बाद एक गैंगस्टर के नाम सामने आ रहे हैं और इन्हीं में से एक नाम शामिल है लेडी डॉन अनुराधा का। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद गैंगस्टर गोल्डी बरार ने एक पोस्ट के जरिए हत्या करने की जिम्मेदारी ली थी। इस समय गोल्डी बरार कनाडा में है, लेकिन राजस्थान में उसके कनेक्शन का खुलासा लेडी डॉन अनुराधा के साथ हुआ है, जो पहले गोल्डी के साथ क्राइम पार्टनर भी रह चुकी है। अनुराधा मूल रूप से राजस्थान के सीकर की रहने वाली है। अनुराधा को बचपन से पढ़ाई का शौक था। अनुराधा की शादी दीपक मिंज नाम के युवक से हुई थी और शादी के बाद दोनों ने शेयर ट्रेडिंग का काम शुरू किया, लेकिन भारी नुकसान के बाद दोनों कर्ज में डूब गए। इसके बाद अनुराधा ने जुर्म की दुनिया में कदम रखते हुए अपने पति को छोड़ दिया। पति को छोड़ने के बाद अनुराधा हिस्ट्री शीटर बलबीर बानोड़ा के जरिए राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल के संपर्क में आई। कहा जाता है कि दोनों के बीच काफी करीबी रिश्ते थे। आनंद पाल ने अनुराधा को AK-47 तक चलाने की ट्रेनिंग दी थी। साल 2017 में पुलिस ने एक एनकाउंटर में आनंद पाल को मार गिराया और इसके बाद अनुराधा ने लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को ज्वाइन कर लिया। इसी दौरान काला जठेड़ी और गोल्डी ब्रार अनुराधा के संपर्क में आए। बताया जाता है कि अनुराधा ने गोल्डी के साथ मिलकर इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट तैयार किया था। 31 जुलाई 2021 को जब अनुराधा और काला जठेड़ी को पकड़ा गया, तब पता चला कि दोनों ने शादी कर ली है। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि अनुराधा ने गैंगस्टर काला जठेड़ी के साथ मिलकर अपने 20 विरोधियों का सफाया कर दिया था। गिरफ्तारी के बाद अनुराधा ने अपने गैंग के सदस्यों के नाम भी बताए, जिनमें गोल्डी ब्रार का नाम भी शामिल था। हालांकि लेडी डॉन अनुराधा इस समय राजस्थान के अजमेर जेल में बंद है।